हाय, मैं हूँ रॉन कैंटर और आप देख रहे हैं आउट ऑफ ज़ैन गॉड टीवी पर। अब पॉलुस ने रोमियो की पत्री लिखी, जिसे लिखने के बहुत से कारण थे, परंतु उनमें एक मुख्य कारण था कि वहाँ पर यहूदी विश्वासियों को अन्य जातियों में से आए नए विश्वासी सताने लगे थे। अब इसलिए कि वो यहूदी विश्वासियों के साथ अपने संबंध समझ सके, पॉलुस उनकी तुलना करता है कि कैसे वो जैतून की डाली में सांटे गए हैं। वो इसकी उपमा देता है 17 वचन में, रोमियो का 11 अध्याय 17 वचन से। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू यानी रोमी विश्वासी जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। सुनिए, आपको जैतून के पेड़ के विषय में ये समझना जरूरी है, या कहें तो जैतून की डालियों के विषय में, इनका क्या अर्थ है। ये महज एक जैतून की डाली है। आप वास्तव में एक तैयार जैतून की डाली ले सकते हैं और फिर किसी भी पेड़ पर स्थान तैयार करके जैतून की इस कलम को उस पेड़ में लगा सकते हैं और वो फल देगी। वो उस पेड़ का ही हिस्सा बन जाएगी और उस पेड़ के रस और आहार से तरोताजा होगी। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी जंगली जैतून की डाली को दूसरे स्वाभाविक पेड़ पर नहीं लगा सकते। वो कभी फलदायी नहीं होगी। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि वो एक ईश्वरीय कार्य करेगा। मैं जातियों को लूंगा, यानी जंगली जैतून की डालियों को, और उन्हें परमेश्वर के भवन में सांट दूंगा नए मनुष्य के रूप में। फिर चाहे वो कोई तैयार पेड़ क्यों ना हो, यीशुआ के लहू के द्वारा वो भी उस पेड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अब ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, पर ये वही रहस्य है जिसके विषय में पौलुस कहता है इफिसियों के 3 अध्याय में, जहाँ वो विश्वासियों की देह को संबोधित करता है जो पूरे संसार के यहूदी और अन्य जातियों को मिलाकर बनाई गई है। परंतु यहाँ एक चेतावनी है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ 19 वचन में वो कहता है, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। पौलुस यहाँ बहुत गंभीर शब्दों का इस्तेमाल करता है कि अगर तू ऐसा ही रवैया रखेगा परमेश्वर के चुने हुओं के विरुद्ध, तब तो परमेश्वर तुझे भी नहीं छोड़ेगा। आगे देखते हैं, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, उसकी कृपा में यहूदी लोगों के लिए, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये शब्द रॉन के नहीं, पौलुस के शब्द हैं। आगे वो कहता है, वे भी यदि यानी यहूदी लोग अविश्वास में ना रहें तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसका एक पुख्ता सबूत हूँ। मैं एक टूटी डाली था जो फिर से साटा गया हूँ। और हम सियोन से आपको आशीष देते हैं, चाहे आप प्राकृतिक जैतून हो या जंगली जैतून की डाली हो जो यीशुआ के लहू से शुद्ध की गई है। हम इसराइल से आपको आशीष देते हैं। निश्चित रूप से god.tv पर जाएं या आउट ऑफ ज़ैन की किसी भी कड़ी से ना चूकें और मुझे ronkenter.com पर मिलें। शालोम इसराइल से। रॉन को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें @ronskenter पर। रॉन और उनकी सेवकाई या गॉड टीवी या आउट ऑफ ज़ैन कार्यक्रम के बारे में और जानकारी के लिए या इन कार्यक्रमों को दोबारा देखने के लिए god.tv/ज़ैन पर जाएं।